Hello friends, welcome to iExamB. This is the third video of our SEBI Grade A GA series. The last two videos link is in the description. Please visit the link to see the first two videos. This is the third video of our GA series. And before going forward, guys, please do not forget to subscribe to our channel and press the bell. ताकि आगे जितने भी एग्जाम्स आ रहे हैं आपके तो उसी रिलेटेड एंड रेलेवेंट वीडियोस जो कि आपको प्रिपरेशन में हेल्प करेगा वैसे वीडियोस आपकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज विद रिस्पेक्ट टू योर प्रिपरेशन की कहीं आपको गाइडेंस चाहिए या कोई पर्टिकुलर डाउट है आपको प्रिपरेशन और कोई एग्जाम प्रोसेस के बारे में तो यू कैन ऑलवेज मेल अस एट hello@iexamb.com और यू कैन ऑलवेज कॉल अस एट दिस नंबर दैट इज 9205240028. So as mentioned, this is the part 3 of our general awareness series for your upcoming SEBI Grade A exam. First हम देख लेते हैं सोर्स. जब हम लास्ट टू वीडियोज में भी मैंने बोल रखा है कि द ओनली सोर्स यू शुड फॉलो नाउ इज वीकली बीपीडिया. चार वीकली बीपीडिया प्लस एक मंथली बीपीडिया आता है हमारे. एंड फॉर दोज विल बी प्रिपेरिंग विल बी अटेम्प्टिंग दिस एग्जाम इन हिंदी, आपके लिए हिंदी बीपीडिया इज ऑल्सो अवेलेबल. एंड प्लीज रिमेंबर गाइज, ये सारे बीपीडिया जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है हमारे साइट पे. यू कैन सिंपली विजिट आवर साइट, देयर आपको एक करंट अफेयर्स का एक सेक्शन मिलेगा ऊपर, तो फ्रॉम देयर यू कैन डाउनलोड द बीपीडिया फ्री ऑफ कॉस्ट. एंड गाइज प्लीज डू नॉट पैनिक. अभी जितने भी टाइम आपके हाथ में है, इफ़ यू हैव नॉट रेड, इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट ऑन जनरल अवेयरनेस, आप ये करना दो महीने का लास्ट टू मंथ्स का बीपीडिया एटलीस्ट थ्री टाइम्स रिवाइज करके जाओ, एटलीस्ट थ्री टाइम्स विथ स्पेशल फोकस ऑन बैंकिंग एंड फिनांस सेक्शन एंड इकोनॉमी सेक्शन. इसको बेस मेन फोकस करके एटलीस्ट टू मंथ्स का बीपीडिया करके जाओ. देखना मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम दीज टू मंथ्स ओनली. सो अभी हम थोड़ा प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेते हैं, द काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू विल बी फेसिंग इन योर रियल एग्जामिनेशन. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ केवाईसी गाइडलाइंस फॉलोड बाय बैंक्स. आपको पता है बैंकिंग फिनांस से गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम इन योर एग्जाम. तो केवाईसी गाइडलाइंस जो होता है आपका बैंक्स में, तो व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस, और यू नो आउट ऑफ दिस थ्री स्टेटमेंट्स कौन कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं with respect to KYC guidelines. So it helps prevent banks from using criminal networks. KYC helps the banks to communicate with clients and financial transactions. For KYC only identification evidence is required. Please pause the video and aap answer kijiye ise. The answer here is C. YC hum dekh lete hain ek baar. Yes. KYC हम पता है नो योर कस्टमर, राइट. जो कस्टमर बैंक का कस्टमर है उसका सारा डिटेल्स बैंक के पास रहना चाहिए ताकि ये दिस पर्टिकुलर पर्सन, दिस पर्टिकुलर डिपॉजिटर ऑफ द बैंक शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन एनी इलीगल एक्टिविटीज, ये बैंक को एंश्योर करना है. तो येस इट हेल्प्स यू नो बैंक्स टू आइडेंटिफाई द कस्टमर्स हु आर यूजिंग दिस बैंकिंग नेटवर्क फॉर देयर क्रिमिनल पर्पजेस. यस KYC helps the banks to communicate with clients and financial transactions. Yes, KYC में आपको पता है उनका एड्रेस वगैरह रहता है एंड देयर फोन नंबर्स, देयर मेल आईडीज. तो कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है या कोई फ्रॉड जैसा कुछ भी होता है तो बैंक्स कैन ईजिली कम्युनिकेट टू द कस्टमर थ्रू KYC. यस इट इज करेक्ट. फॉर KYC ओनली आइडेंटिफिकेशन एविडेंस इज रिक्वायर्ड. यहाँ पे द कीवर्ड इज ओनली. बस आइडेंटिफिकेशन से हो जाएगा क्या? नहीं. द एड्रेस प्रूफ, एड्रेस का एविडेंस भी ऑल्सो इज नीडेड. एड्रेस प्रूफ इज ऑल्सो नीडेड. दैट इज द रीजन दिस थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. यहाँ पे आप देख सकते हो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में क्या क्या है. पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड. ये आइडेंटिटी प्रूफ के लिए हो जाएगा. आपको पता होगा अब पैन कार्ड जैसे होता है दिस इज नॉट एन एड्रेस प्रूफ, तो इसके लिए अलग सा एड्रेस प्रूफ का प्रोविजन भी है. तो आपको ये याद रखना है आइडेंटिफिकेशन प्लस एड्रेस प्रूफ, दैट इज योर KYC. This is the second question, factual question. RBI recently approved which of the following for commencing international or cross-border remittance business under the money transfer service scheme. Please pause the video and try to answer.
आंसर हियर इज फिनो पेमेंट बैंक। ठीक है, आरबीआई ने रिसेंटली फिनो पेमेंट बैंक को अप्रूव किया, जो कि अभी क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस बिजनेस पे इन्वॉल्व हो सकता है। दीज आर द इंफॉर्मेशन जो जिसको आप मल्टीपल टाइम रिवीजन के साथ ही, मल्टीपल टाइम रिवीजन के थ्रू ही याद रख सकते हो। देर इज नो अदर शॉर्टकट, देर इज नो अदर वे आउट। इस पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ नहीं है। ओनली थिंग यू नीड टू इज आप इसे एक बार पढ़ लो, फिर 3 बार रिवाइज करो, और एल्स यू कैन ऑल्सो क्रिएट सम नेमोनिक्स टू रिमेम्बर दिस थिंग। ठीक है, कैसे भी करके बस आपको याद रखना है कि क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस बिजनेस आ जाए तो यू शुड बी एबल टू रिमेम्बर इट इज अबाउट फिनो पेमेंट्स बैंक। द थर्ड क्वेश्चन, वेरी कॉन्सेप्चुअल एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स और डीसीपीएस, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स और डीसीपीएस। द आंसर हियर इज बैंक ऑफ बड़ौदा। आपने पता है कि डीसीपीएस जो है, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक एंड एचडीएफसी बैंक, ये जो डीसीपीएस हैं इनका मेन मोटिव क्या है, इसे क्यों डीसीपीएस में कैटेगराइज किया जाता है ये बैंक्स को। दीज आर वेरी बिग बैंक्स। ठीक है, ये बहुत बड़े बैंक्स हैं। बड़े किस तरह से हैं, द काइंड ऑफ डिपॉजिट्स दे हैव, द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स दे हैव, और इनका जो पेनिट्रेशन है, जो कस्टमर पेनिट्रेशन है इन दीज बैंक्स, ये बहुत ही वाइड है। तो अगर इन केस ऐसे ये बैंक्स कभी फेल होते हैं तो इसका जो इम्पैक्ट होगा इकोनॉमी पे, दैट वुड बी रियली ग्रेट। क्योंकि आप देखो, बहुत सारे लोगों का डिपॉजिट्स वहां पे फंस जाएगा। एंड आपको पता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सपोज मान लो, यू कैन सी, यू नो, आप इमेजिन करो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांचेस कहाँ कहाँ है और कितने लोग उस पर डिपेंडेंट हैं। इन केस इन एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फेल हो जाता है, तो द इम्पैक्ट ऑन कॉमन पीपल, द इम्पैक्ट ऑन बिजनेसेस विल बी ह्यूज। दैट इज द रीजन अभी आरबीआई ने ये सारे बैंक्स को डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स पे कैटेगराइज किया गया है। व्हाट इज द पर्पस? अगर ये डीसीपीएस होते हैं तो आरबीआई हर एक ऐसा कदम उठाएंगे ताकि ये बैंक्स फेल कभी ना हो, तो इसीलिए थोड़ा सा इन्हें ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस रहता है, ज्यादा रेगुलेशंस रहता है, ताकि इनका बिजनेस वेरी स्मूथली एंड ट्रांसपेरेंट वे पे चले। तो आपको याद रखना है, तो 3 बैंक्स, दे आर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक एंड एचडीएफसी बैंक, दीज आर डीसीपीएस। और द फोर्थ क्वेश्चन, द डीसीपीएस बैंक्स आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी बकेट्स? ये जो डीसीपीएस क्लासिफिकेशन है, तो इसे कुछ बकेट्स में भी कैटेगराइज किया जाता है। सो पॉज द वीडियो, ट्राई टू आंसर। यस, देयर आर टोटल 5 बकेट्स। ठीक है, बकेट 1, बकेट 2, बकेट 3, बकेट 4 एंड बकेट 5। तो टोटल जो जितने डिसिप्स हैं, दे आर कैटेगराइज इन टू 5 बकेट्स। तो द बकेट 5 बिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो बकेट 5 में होगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंक होगा, फिर 4, 3, 2 एंड 1। तो हम ये आप देख सकते हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज इन द बकेट 3। प्लीज रिमेंबर, जो एसबीआई है दैट इज अंडर बकेट 3, वाइल आईसीआईसीआई बैंक एंड एचडीएफसी बैंक आर इन बकेट 1। ठीक है, अभी 2, 4, 5 में कोई भी बैंक्स नहीं है। जो एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई है, दे आर इन द बकेट 1 एंड एसबीआई इज इन द थर्ड बकेट। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंक वाला बकेट कौन सा है? 5। ठीक है, द लीस्ट इंपॉर्टेंट वाला बकेट है 1। सो इस हिसाब से 5 बकेट्स में डीसीपीएस को कैटेगराइज किया गया है। द फिफ्थ क्वेश्चन, द क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज और सीआईसीज और क्रेडिट ब्यूरोज आर रेगुलेटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? यहाँ पे आपको याद रखना है कि दीज आर यू नो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, नॉट योर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। दीज टू आर वेरी डिफरेंट। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज आर, फॉर एग्जाम्पल, जो आपका सिबिल है, जो आपका क्रेडिट स्कोर ऑफ इंडिविजुअल या कंपनीज का क्रेडिट स्कोर देता है, दे आर क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। व्हाई इंफॉर्मेशन इज देयर? ये जो कंपनीज हैं, इनके पास आपका सारा क्रेडिट का इंफॉर्मेशन भी है। ये कितना आपने 1.5 लाख का लोन लिया, आपने 7 लाख का कार लोन लिया, आपने 50K का आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है। ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड विथ दिस पीपल। ठीक है, इनके पास सब इंफॉर्मेशन है। तो
कोई फिर ये अगर पर्सन आप जाके और एक बैंक को अप्रोच करते हो फॉर लोन, तो दैट बैंक्स ऑफिशियल कैन इजीली एक्सेस कि इसके पास क्या क्या लोन्स एंड क्या क्या है, ठीक है। तो यस दीज कंपनीज, द क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज आर रेगुलेटेड बाई, यस इट इज RBI, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अभी आपके आपके लिए क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बताना है जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज दे आर रेगुलेटेड बाई हु, आपको बताना है, ये कमेंट सेक्शन पे आप जरूर मेंशन करना, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर रेगुलेटेड बाई हु। अभी द सिक्स क्वेश्चन, आइस गेट प्लेटफॉर्म इज मैनेज्ड बाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। आइस गेट प्लेटफॉर्म वेरी पॉपुलर प्लेटफॉर्म, लास्ट 3-4 ईयर्स में बहुत पॉपुलर प्लेटफॉर्म ये हुई है। आइस गेट प्लेटफॉर्म इज मैनेज्ड बाई, प्लीज पॉज द वीडियो एंड आप आंसर करो। यस इट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ठीक है। ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पे ये जो कार्गो एंड ट्रेड कैरियर्स हैं वो रजिस्टर करते हैं ऑनलाइन पोर्टल पे फॉर स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ गुड्स, ठीक है। तो दिस इज अ प्लेटफॉर्म मैनेज्ड बाई सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो दिस इज सेवेंथ क्वेश्चन, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स कैन बी परचेस्ड ओनली बाय बिजनेस एंटिटीज, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट, आपको ये बताना है, प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर। यस इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, नॉट ओनली बाय बिजनेस एंटिटीज, इंडिविजुअल्स कैन ऑल्सो परचेस इलेक्ट्रल बॉन्ड्स। यहाँ पे देख सकते हो, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में बी परचेस बाय अ पर्सन हुज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, आपको ये देखना है, जो पर्सन खरीद रहा है दैट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, और इनकॉर्पोरेट एस्टेब्लिश इन इंडिया, पर्सन बींग एन इंडिविजुअल कैन बाय इलेक्ट्रल बॉन्ड्स इधर सिंगली जॉइंटली और अदर इंडिविजुअल्स, तो ठीक है, जॉइंटली भी ये और एक इंडिविजुअल के साथ मिलके भी ये बॉन्ड खरीद सकते हैं। तो हाउ एग्जैक्टली दिस इलेक्ट्रल बॉन्ड वर्क्स, अगर ये एक पर्सन है, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू परचेज दिस बॉन्ड, ठीक है, सपोज 1 करोड़ कैश है, दिस पर्सन विल अप्रोच द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फिर ये 1 करोड़ देके, 1 करोड़ वाला एक इसे इलेक्ट्रल बॉन्ड मिल गया, एंड फाइनली ये पर्सन जो है विल गिफ्ट दिस बॉन्ड टू अ सर्टेन पॉलिटिकल पार्टी, जैसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, फिर ये बॉन्ड ये पॉलिटिकल पार्टी को दिया गया, देन पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी, ये बॉन्ड को फिर SBI को दिखा के 1 करोड़ कैश ले लेगी। इन दिस प्रोसेस द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस पर्सन इज नॉट रिवील्ड, तो ये कंप्लीट एनोनिमस पर्सन है, ना SBI को पूछेगा आपका आधार कार्ड दो तभी जाके हम आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड देंगे, SBI विल नॉट आस्क एनीथिंग, नीदर द जो पॉलिटिकल पार्टी है दैट पॉलिटिकल पार्टी विल ऑल्सो नॉट आस्क एनीथिंग। तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस एनोनिमिटी के साथ ही होता है, द पर्सन हु इज डोनेटिंग थ्रू इलेक्ट्रल बॉन्ड्स उसका आइडेंटिफिकेशन रिवील नहीं होता है। सो दिस इज द ब्यूटी बोल सकते हो और द बोन ऑफ कंटेंशन ऑफ इलेक्ट्रल बॉन्ड्स आप बोल सकते हो, बस आपको ये याद रखना है बिजनेस एंटिटीज भी खरीद सकते हैं एंड पर्सन भी खरीद सकते हैं, देर आर सर्टन इंटीग्रिटीज कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से पॉलिटिकल पार्टीज ये इलेक्ट्रल बॉन्ड रिसीव कर सकते हैं। आई वुड रिकमेंड कि आप जाके इसके बारे में बहुत डिटेल्स में पढ़ लो, बिकॉज इलेक्ट्रल बॉन्ड्स ये न्यूज में आया है अभी 1-2 महीने में बहुत बार, तो आप इसको पूरा डिटेल से स्टडी कर लेना। तो एज पर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द GST काउंसिल वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड, यस द आंसर इज आर्टिकल 279, ठीक है। तो GST काउंसिल आपको बताया गया आर्टिकल 279 में क्रिएटेड है, सो दैट मेक्स दिस GST काउंसिल अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, प्लीज रिमेम्बर, जो जो भी बॉडी या ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया जाता है थ्रू एन आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो बनता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तभी आपके लिए और एक क्वेश्चन है, जो बॉडीज थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाया जाता है, थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, उस बॉडीज को क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई पर्टिकुलर आर्टिकल में मेंशन है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कोई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट मतलब जो पार्लियामेंट के हाउस हैं लोकसभा एंड राज्यसभा वो दोनों पास करके देन फाइनली प्रेसिडेंट का एसेंट लेके कोई एक बॉडी बनाया जाता है, सो वो उस टाइप को बॉडी को क्या बोलते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन इज जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से जो बॉडी बनता है उसे क्या बोलते हैं हम। तो आप इसे इसका आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। वेरी इजी वन, आई होप कि आप सबको पता होगा। व्हाट इज द चेयरपर्सन, सॉरी हु इज द चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल। हमने देख लिया जीएसटी काउंसिल ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है अबाउट जीएसटी 279 आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो द चेयरपर्सन इज द यूनियन फिनांस मिनिस्टर। ठीक है, तो यूनियन फिनांस मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू एंड फिनांस। जब यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहते हैं दैट पर्सन विल ऑल्सो बी अ मेंबर। और मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फिनांस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाई ईच स्टेट गवर्नमेंट। जो स्टेट गवर्नमेंट का भी फिनांस चार्ज में जो मिनिस्टर है दे आर ऑल्सो द मेंबर्स ऑफ दिस जीएसटी काउंसिल। द 10th वन, हु इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ उजाला स्कीम। उजाला स्कीम अगेन दिसंबर जनवरी में बहुत बार न्यूज में आया था। तो इट इज आस्किंग हु इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ उजाला स्कीम। उजाला स्कीम का इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? दैट इज यस एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। आपके लिए और एक क्वेश्चन है, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। जो उजाला स्कीम है उसका ये एक्चुअली बेनिफिशरीज को कैसे हेल्प करता है आपको बताना ही है। बेनिफिशियरी को कैसे हेल्प करता है, इट मींस जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना है ये कैसे हेल्प करता है, उनके लिए घर बनाता है। तो आई एम आस्किंग उजाला स्कीम बेनिफिशियरी को कैसे हेल्प करता है। ठीक है, प्लीज टाइप योर आंसर इन द चैट बॉक्स। अभी जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चंस देख लेते हैं जिसके लिए आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन याद रखना है। द रीजन वी आर डूइंग दिस क्वेश्चंस इज आपको एक अंदाजा लग जाए कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। जब आप रिवीजन के लिए बैठते हो ना, तब इस टाइप के क्वेश्चंस पे आप बहुत फोकस कर सकते हो। वर्ल्ड एथलेटिक्स हैज अवार्डेड द वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? वुमेन ऑफ द ईयर। प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर। यस दैट इज अंजू बॉबी जॉर्ज। ठीक है, जो लॉन्ग जंप स्टार हैं, तो अंजू बेबी बॉबी जॉर्ज को वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है फ्रॉम वर्ल्ड एथलेटिक्स से। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक प्राइड प्रेजुडिस एंड पेडेंट्री। इसका ऑथर कौन है? यस द आंसर इज शशि थरूर। आपको याद रखना है, कैसे भी करके नेमोनिक्स बना दो प्राइड और प्रेजुडिस से लेके, ऐसा कुछ शशि थरूर को इमेज करके आप कुछ नेमोनिक्स बना दो ताकि ये बुक आते ही यू विल बी एबल टू रिकॉल शशि थरूर नेम। ठीक है, सो विनोद दुआ रिसेंटली पास्ट अवे, हु वाज ही? मतलब वो किस प्रोफेशन से जुड़े हुए थे विनोद दुआ? यस ही वाज अ जर्नलिस्ट। ठीक है, दूरदर्शन में काम किए हैं, एनडीटीवी में काम किए हैं। ही वाज वेरी पॉपुलर जर्नलिस्ट विनोद दुआ। तो ही वाज अवार्डेड पद्मश्री इन 2008 जब यूपीए गवर्नमेंट था। तो 2008 में विनोद दुआ वाज अवार्डेड विद पद्मश्री। सो ये रिसेंटली पास्ड हुए, आपको याद रखना है जर्नलिस्ट। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड सॉइल डे 2021? प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर। यस बी इज द आंसर, हॉल्ट सॉइल सैलिनाइजेशन एनहेंस सॉइल प्रोडक्शन। दिस इज द थीम ऑफ वर्ल्ड सॉइल डे 2021। ये कब बनाया जाता है? दिसंबर 5 को, राइट? दिसंबर 5 को। यस वर्ल्ड सॉइल डे इज ऑब्जर्व ऑन दिसंबर 5। उसका जो अभी का थीम है, इस साल का थीम है हॉल्ट सॉइल सैलिनाइजेशन एंड एनहेंस सॉइल प्रोडक्शन। सो नीलमणि फुकान, उन्हें 56 ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है फॉर इस कंट्रीब्यूशन टू इंडियन लिटरेचर। सो नीलमणि फुकान बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? ठीक है, आपको आंसर करना है, 56 ज्ञानपीठ अवार्ड मिला नीलमणि फुकान को, ये कौन से स्टेट को बिलोंग करते हैं? आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम करेक्टली। इफ आई एम नॉट देन प्लीज एक्सक्यूज मी देन। यस असम, ही बिलोंग्स टू असम। ठीक है, तो इन्हें भी 56 ज्ञानपीठ अवार्ड मिला एंड द पोएट बिलोंग्स टू असम। वो अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन आईटीडीसी। ठीक है, आईटीडीसी
का नया चेयरमैन कौन है, आईटीडीसी का नया चेयरमैन? आपको पता है अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट, जो कैबिनेट होता है, यूनियन कैबिनेट होता है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनमें एक अपॉइंटमेंट्स कमिटी है, ठीक है। अपॉइंटमेंट्स कमिटी क्या करता है, जो कंट्री के बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के चीफ हैं उनको सबको सिलेक्शन करता है, इंक्लूडिंग योर आरबीआई गवर्नर, सेबी के चेयरमैन, नबार्ड के चेयरमैन, ये सब बड़े बड़े पोजिशंस, एंड नॉट ओनली चेयरमैन, द मैनेजिंग डायरेक्टर्स, द ईडीज, ये सबको अपॉइंटमेंट्स कमिटी ही सिलेक्ट करता है, इंक्लूडिंग द चीफ्स ऑफ आवर यू नो पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड ऑल। तो अभी आईटीडीसी का चेयरमैन किसे बनाया गया, यस, संबित पात्रा, आपको पता होगा बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, यू मस्ट हैव सीन हिम यू नो मेनी डिबेट्स द प्राइम टाइम न्यूज चैनल्स एंड ऑल। तो अभी जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन संबित पात्रा है उनको चेयरमैन किया गया ऑफ इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इक्यूवेरियन, इक्यूवेरियन एक एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, आपको बताना है। इक्यूवेरियन जो एक्सरसाइज है, दिस इज बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, यस, द आंसर इज मालदीव्स, ठीक है। 11th एडिशन ऑफ इक्यूवेरियन किया गया इंडिया एंड मालदीव्स में, मालदीव्स के बीच आर्म्ड फोर्सेस, आप देख सकते हो दोनों के आर्म फोर्सेस के बीच में ये इक्विवेरियन किया गया। यू हैव टू रिमेम्बर द नेम ऑफ द कंट्री, इंडिया एंड मालदीव्स। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 रिलीज बाय द EIU, कौन सी सिटी इज द एक्सपेंसिव सिटीज इन द 2021? आपको ये देखो यहाँ पे और एक इंफॉर्मेशन है, वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 इट इज रिलीज बाय EIU, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। एंड वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इज, यस, सी, तेल अवीव, ठीक है, तेल अवीव इज द वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी। तो आपको ये बताना है दिस तेल अवीव सिटी बिलोंग्स टू विच कंट्री, ठीक है, आप एक बार कमेंट पे लिखना जरूर कि तेल अवीव जो है ये कौन से कंट्री को बिलोंग करता है, और उस कंट्री का नेबरिंग कंट्री के साथ थोड़ा सा झगड़ा चलता है, इफ यू कैन रिमेम्बर द नेम ऑफ दैट नेबरिंग कंट्री एज वेल, तो आप प्लीज चैट बॉक्स में मेंशन करना, ठीक है। अनदर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टूरिज्म को लेके स्ट्रीट प्रोजेक्ट एक स्टेट में लॉन्च हुआ है, ठीक है, इन इनिशिएटिव टू टेक टूरिज्म डीप इनटू द स्टेट्स इंटीरियर्स एंड रूरल हिंटरलैंड्स, अ स्कीम वाज लॉन्च्ड, द नेम ऑफ द स्कीम वाज स्ट्रीट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये कौन सी स्टेट में लॉन्च हुआ है, द स्ट्रीट प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट, प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर, यस, द आंसर इज केरला, ठीक है, केरला में हुआ है स्ट्रीट प्रोजेक्ट, आपको याद रखना है। द ऑब्जेक्टिव इज जो टूरिज्म पोटेंशियल है स्टेट का, वो पोटेंशियल को वाइड करके हमें पहुंचाना है स्टेट के हर एक छोटे छोटे कोने में, हर एक इंटीरियर पे, रूरल हिंटरलैंड पे, वो जो टूरिज्म का पोटेंशियल है थ्रू स्ट्रीट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो प्लीज रिमेंबर दिस इज केरला। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड अ 3-member कमिटी टू रिव्यू द क्राइटेरिया फॉर रिजर्वेशन फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी, हु विल हेड द कमिटी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमिटी बिठाया, 3-member कमिटी है, जो क्राइटेरिया है अभी EWS और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैटेगरी में आने के लिए, जो कि है आपको पता होगा 8 lakh इनकम है, देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया विद रिस्पेक्ट टू दो कितने स्क्वायर फीट का घर होगा, कितने स्क्वायर फीट का लैंड होगा, ये सारा जो क्राइटेरियाज हैं उसको रिव्यू करने के लिए गवर्नमेंट ने एक कमिटी बैठाया। द कमिटी इज हेडेड बाय, यस, इट इज अजय भूषण पांडे, ठीक है, अजय भूषण पांडे विल हेड द कमिटी। सो दीज आर द क्वेश्चंस फॉर दिस सेशन गाइस, हम अगला वीडियो या अगला सेशन बहुत जल्दी लाएंगे, एंड गाइस डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल, एंड आपको ये बेल को भी प्रेस करना है, नेक्स्ट वीडियो जब आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो आई होप यू लाइक द सेशन, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड
आप इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो अभी एग्जाम्स में प्रिपेयर कर रहे हैं सेबी के लिए और एनी अदर सिमिलर एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं। इफ यू हैव एनी क्वेरीज विद रिस्पेक्ट टू योर प्रिपरेशन यू कैन ऑलवेज मेल अस एट hello@iexambic.com। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। हैव अ गुड डे गाइस। थैंक यू।